दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान। ऑनलाइन दुकान। जब कोई सरकार किसी नागरिक से बदला लेने पर उतारू हो जाए तो क्या कर सकती है, इसका एक जवाब इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़े चल रहे हैं। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में पाली हिल रोड पर कंगना रनौत का दफ्तर था। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब दफ्तर नहीं सिर्फ मलबा है। 8 महीने पहले कंगना रनौत ने मणिकर्णिका फिल्म्स नाम से यहां दफ्तर बनाया था। लागत बताई गई 48 करोड़, जिसे बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी ने मलबे में तब्दील कर दिया। तोड़ने से पहले दफ्तर कैसा था उसकी ये तस्वीरें कंगना रनौत ने साझा की हैं। अब इस आलिशान दफ्तर को ढहा दिया गया। दफ्तर ढहाने की तस्वीरों के साथ कंगना लगातार बीएमसी पर खींच निकाल रही थी। पुलिस और बीएमसी वालों को उन्होंने बाबर की सेना लिखा, मुंबई को पीओके फिर से बताया और डिमोलिशन को लोकतंत्र की हत्या बताया। एक ट्वीट में कंगना ने लिखा कि ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास खुद को दोहराएगा, राम मंदिर टूटेगा, लेकिन याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। कंगना क्या कहती है, क्या ट्वीट करती है, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, उनसे पॉलिटिकली अनकरेक्ट ट्वीट पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज सवाल बीएमसी की इस कार्रवाई पर होना चाहिए। कंगना का दफ्तर क्यों ढहाया गया? क्योंकि बीएमसी को अचानक लगा कि दफ्तर में जरूर कुछ कमियां होंगी, तो बीएमसी ने सर्वे करके कंगना को नोटिस भेज दिया, जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि हमने कंगना को 24 घंटे का वक्त दिया लेकिन जवाब नहीं मिला, जबकि कंगना ने कहा कि मैं शहर में नहीं हूं, वापस आकर जवाब दूंगी, लेकिन आगे की कार्रवाई बीएमसी ने शुरू कर दी। कंगना के दफ्तर में क्या खामियां मिली बीएमसी को कि 24 घंटे में ढहाना जरूरी हो गया, वरना मुंबई की सुरक्षा गोया खतरे में आ जाती। खामियां बता देते हैं पहले आपको। बीएमसी के मुताबिक दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल में कई अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए। ग्राउंड फ्लोर पर एक टॉयलेट की जगह को ऑफिस केबिन में तब्दील किया गया। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर की जगह किचन बना लिया। सीढ़ियों के पास टॉयलेट बनाया। इसके अलावा बिना परमिशन पार्किंग में भी टॉयलेट बनाए गए। ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री बनाई गई। लकड़ी के पार्टीशन से ग्राउंड फ्लोर पर केबिन और मीटिंग रूम बनाए गए। मेन एंट्रेंस गेट की पोजीशन बदली गई और इसी तरह की 2-4 और कमियां। और क्योंकि बीएमसी के हिसाब से ये बहुत बड़ी कमियां थी, इसलिए दफ्तर को फौरन ढहाया जाना जरूरी था। कमियों वाली लिस्ट देखकर समझ आता है कि दफ्तर का जैसा प्लान बीएमसी को दिया गया था उसमें कुछ डिजाइनिंग के लेवल पर बदलाव है। ऐसी कमियां मुंबई ही क्या, किसी भी शहर की लगभग हर इमारत में मिल जाएंगी। हजारों इमारतों में इस तरह के केसेस होते हैं, करेक्शन होता है, सीमित मात्रा में तोड़फोड़ होती है, लेकिन कंगना के दफ्तर में इन डिजाइनिंग वाले बदलावों ने शिवसेना और बीएमसी को बदला लेने का मौका दे दिया। बदले वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और कंगना रनौत का झगड़ा चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत तरह तरह के ट्वीट्स कर रही हैं। कभी किसी को आरोपी बताती हैं, कभी किसी को, कभी नेपोटिज्म का जिक्र करती हैं, कभी ड्रग्स का। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए और कह दिया कि मुंबई तो पीओकी की तरह, मुंबई की जो पुलिस है वो बर्ताव कर रही है। इसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कंगना से ट्विटर पर झगड़ा शुरू हो गया। शिवसेना के नेताओं ने धमकियां दी कि कंगना मुंबई तो आकर दिखाएं। इस पर कंगना को नरेंद्र मोदी सरकार का साथ मिला। केंद्र सरकार ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी और कंगना आज कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई पहुंच भी गई, लेकिन उनके आने से पहले ही मुंबई में बीएमसी ने उनके दफ्तर को गिरा दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। ये कार्रवाई विशुद्ध राजनीतिक लगती है। अगर बीएमसी को मुंबई की इमारतों की इतनी ही चिंता होती तो सैकड़ों लोगों की जानें बच जाती। मुंबई में पिछले 5 वर्षों में इमारतें गिरने के 1472 मामले सामने आए। इनमें 106 लोगों की मौत हुई,
344 जख्मी हुए। इन सब मामलों में बीएमसी पर सवाल उठते हैं, हादसों के बाद भी उठते हैं, आज भी उठेंगे। कंगना वाले केस में कोई बीएमसी की सजगता नहीं है, ये ऊपर वाले आदेशों की अनुपालना है। और ऐसा भी नहीं कि इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई हो या इसी सरकार ने की हो। बीजेपी कंगना का दफ्तर तोड़ने पर सवाल उठा रही है, लेकिन इस तरह के आरोपों से बीजेपी सरकारें भी पाक साफ नहीं रही, नहीं बची। उद्धव ठाकरे से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, तब शाहरुख खान ने मोदी सरकार में डर लगने वाला बयान दिया था, तो उसके बाद बीजेपी बदला लेने की मूड में थी। और कैसे बदला लिया गया? शाहरुख के बंगले के पास कुछ तोड़फोड़ करके। बैंड्रा में शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर एक रैंप था जो बरसों पहले बनाया गया था। उस रैंप पर आकर अक्सर शाहरुख फैंस को झलक देते थे, लेकिन इस बयान के बाद 2015 में बीएमसी को एहसास हुआ कि रैंप गैरकानूनी है। 2015 में बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने बीएमसी को रैंप गिराने के लिए चिट्ठी लिखी और बीएमसी वाले तो जैसे तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे, तुरंत हथौड़ा चला दिया। उसी तरह की कार्रवाई अब कंगना के खिलाफ हो रही है। आज महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद में कंगना के खिलाफ मुंबई को पीओके बताने वाले बयान पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव यानी प्रिविलेज ब्रीच मोशन भी लाया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सदन में कंगना के बयान की निंदा की। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन प्रस्ताव लाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अशोभनीय भाषा इस्तेमाल करने और बेबुनियाद आरोप लगाने के आरोप में उद्धव ठाकरे के ऊपर ये प्रस्ताव लाया गया। इन प्रस्तावों की वजह से आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने यह कहकर प्रस्ताव का विरोध किया कि कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर सदन को किसी भी नागरिक को सजा देने का हक होता है और इसलिए इस पर इतनी रार मची है। सरकारों का काम बदला लेना नहीं होता, बिना भेदभाव के राजधर्म निभाना होता है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयों को स्वीकार्यता नहीं मिलनी चाहिए जैसी बीएमसी ने की है। बाकी सदन की कार्रवाई पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सदन खुद अपने निर्छीर विवेक से तय करे कि कौन सा विशेषाधिकार है जिसका हनन हुआ है और उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। और सदन के ऊपर देश का संविधान है, कोर्ट है, वो भी इस मामले पर अपनी राय रखेंगी, अपना एक्शन लेंगी। लेकिन बीएमसी की कार्रवाई साफ तौर पर पॉलिटिकल वेंडेटा लगती है, अपरपक्वता लगती है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के शब्दों में कहें तो गैर जरूरी लगती है। सियासत है, आपके नाम पर होती है, सब अपना अपना हित साधते हैं, इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि ये कौन सी सियासत है जो हमारे सामने है। और खबरों की दुनिया कैसी हो गई है आप जानते ही हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।